गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक आदमी बहुत होशियार, मेहनती और अपने काम में फर्स्ट नंबर। वो इतनी मेहनत करता है क्योंकि उसको अपने फील्ड में फर्स्ट बनना है, वो भी जल्दी जल्दी। एक दिन वो ट्रेन में जा रहा होता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसके बगल में बैठा होता है। ये लड़का बिल्कुल परेशान, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो बूढ़े व्यक्ति ने उसको पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए, क्या बात है? तो उसने जवाब दिया, आप अपना काम करो, आप लोगों को पता नहीं है अभी दुनिया में कितनी कंपटीशन चल रही है, आप तो बैठे ही रहो। बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा ऐसी बात नहीं है, हमने ऐसे ये बात सफ़ेद नहीं किए। देखो कंपटीशन कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तब वो लड़का थोड़ा शांत हुआ, उसने पूरी बात बूढ़े व्यक्ति को बताई। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि कंपटीशन तो है, बट मुझे ये बताओ हीरा कैसे बनता है। तो वो लड़के ने आंसर दिया कि हीरे को बनने में बहुत वक्त लगता है, काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ता है उसे, तब जाके वो हीरा तराशा जाता है। अच्छा सही बात है, चलो मुझे ये बताओ कि कार और हवाई जहाज दोनों को बनने में कितना वक्त लगता है। तो बोले कि कार जल्दी बन जाती है, उसके मुकाबले हवाई जहाज को बनने में देरी लगती है। अच्छा मुझे ये बताओ, कार में मुसाफरी करना ज़्यादा है, अच्छा है, या फिर हवाई जहाज में? तो बोले कि हवाई जहाज में जल्दी से पहुंच जाते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ, दोनों की कीमत में क्या अंतर है, कार का कितना किराया लगता है और हवाई जहाज का कितना? तो बोले कि वो तो कोई भी बता सकता है, काफ़ी अंतर है। क्यों क्यों अंतर है? तो बोले कि वो हवाई जहाज है, उसे बनने में काफ़ी वक्त लगा है और काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, इसी वजह से उसकी कीमत ज़्यादा है। उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को बताया, देखो बच्चा, कामयाब होना होता है ना तो वो हीरे की तरह प्रेशर झेलना पड़ता है, और वो हवाई जहाज की तरह टाइम लगता है और कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जो आपको हवाई जहाज की तरह ऊंचा उड़ना है, उतनी कीमत हासिल करनी है, तो समय तो देना ही पड़ेगा ना। हमारा लोग कोई भी आदमी एक दिन में सफल इंसान नहीं बन सकता, उसको रोज़ मेहनत करनी पड़ती, तब जाके वो सफल होता है। तो अपनी काम करने की क्षमता बढ़ाए और रेगुलर काम करें और सफलता। इसी अच्छी सोच के साथ आज के लिए मैं आपको कीप स्माइलिंग करने को बोल रही हूँ। ओके बाय।